मेरी इंट्रोडक्शन में मेरा ख्याल बताया गया, भानु जी ने बताया कि मैं रोटेरियन भी हूं एट वर्क। पहले आपने मुझे रोटरी से ट्रेन किया कि समाज की सेवा कैसे की जा सकती है, या आपने मुझे रोटरी में ट्रेन किया, मैंने आपसे सीखा और आपने मुझे फिर काम में बहुत मदद की। हर समस्या का हल मैं कभी भी लेके जाती थी रोटरी क्लब में तो मुझे उसका जवाब मिलता था। या और इनकार कभी नहीं किया था, जब भी मैं जरूरत की चीज लेके गई तो ये रोटरी का होता ही मकसद टू हेल्प एनीबॉडी जेन्युइनली नीड। मैं ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये आपने ये जो बनाया एलुमनाई ऑफ रोटरी कॉल्ड रोटेक्स, इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। आपके सर मुझे एक प्रश्न है, इसमें आप जवाब देंगे भानु जी, कि ये रोटरी सिर्फ इंटरनेशनल है कि नेशनल भी है? सो मैम दिस रोटरी इज इंटरनेशनल अक्रॉस 133 कंट्रीज थ्रू 36,000 क्लब्स एंड 1.2 मिलियन मेंबर्स आर सर्विंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। So it's surely an international body which has its own international level of leaders and then district level of leaders as well. So it starts, it's still headquartered in America. National program bhi hai aisa Bhanu ji? Yes ma'am, we have a national team. Ratnesh sir is there. Ratnesh sir, would you like to answer ma'am, please? Ji madam, national level pe bhi ek रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसमें हम जितने भी हमारे एल्यूमिनाई है उनको एक जगह बाइंड करके रखते हैं, लेकिन प्रोसीजर ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बनाया जाता है एंड दिस नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री वर्क्स व्हेन वी हैव ए नेशनल मीट व्हिच इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट वंस इन अ ईयर। सो मेरी व्यू ये है कि विद द करंट सिचुएशन शायद हम नेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम को और भी फिलिप दें आने वाले समय में। राइट मैम, तो इट विल हेल्प अस क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ से बहुत अलग है, कन्या से कन्याकुमारी से लेके हर जगह से जम्मू से लेके और कश्मीर से लेके बहुत अंतर है हमारे स्टेट में, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज कल्चर हैबिट्स ड्रेस। अगर हम अपने देश को ज्यादा समझे तो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। राइट मैम, जस्ट टू शेयर, अभी बिकॉज ऑफ कोविड ओनली वी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और अभी हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग पुणे बॉम्बे एंड नागपुर वी आर वर्किंग ऑन एन इंटर डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज प्रोग्राम। और आइडिया वही है कि जो बच्चे जो शायद इंटरनेशनली ट्रेवल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजंस, और इस समय टाइम है कि वो बैंगलोर से आके गुजरात में रह के गुजरात का कल्चर सीखे, एक महीना हमारे साथ रहे, यहां से बच्चे बैंगलोर जाएं या नॉर्थ ईस्ट जाएं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज ऑन द कार्ड्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट दैट इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। सो दैट इज वेयर वी आर वर्किंग ऑन दैट फॉर श्योर। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, ट्रू, और फैमिली बॉन्डिंग भी होगी। राइट, एब्सोल्युटली, बिकॉज दीज किड्स व्हेन दे ट्रैवल ऑन एक्सचेंज प्रोग्राम दे लिव विद द होस्ट फैमिलीज, व्हिच मींस वी रोटेरियंस होस्ट देम एंड देन दे लिव विद अस एज आवर ओन किड्स एंड लर्न विद अस एंड वी कीप देम टुगेदर। सो दैट्स अ वेरी valid point that you raised, sir. और हमारी national policies के अनुसार भी होगा। Right, absolutely. प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विदेश को भी देखो लेकिन पहले अपने देश को देखो। True, very true. तो मुझे याद है जब मेरी पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी, मैं उसको देख के ऐसे लगता था जैसे मैं एक जगह नहीं 100 मसूरी में हूँ, 100 मसूरीज। मिजोरम was so beautiful कि ऐसे it was not small one मसूरी of Uttarakhand. Right. It was 100 and the kind of fertile. So ye baat sir ye ki the more we understand the better. Anyway, this is all by the way because it's a very interesting concept of Rotex, but I think gradually agar hum log youth exchange within and let's go from north to east and east to west and south to north aise kare alag to better hi rahega. Sure ma'am, thanks. Aapne mujhe prashn diye hain, मैं क्या वो सीधा प्रश्न पर चलूं? मैम, वी वुड लाइक टू प्रोबब्ली हियर योर थॉट्स ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ वुमेन एंड यूथ्स कैन टेक दिस इंडिया फॉरवर्ड फॉर कपल ऑफ मिनट्स मे बी देन प्रोबब्ली इट विल कम थ्रू द क्वेश्चंस। इट विल वेरी मच क्लियरली, आई सी द क्वेश्चंस एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस।
ओके मेरे से क्वेश्चन आपने पूछा, आप और क्या डॉक्टर दीप गांधी नगर प्रेजेंट है, वही पूछना चाहेंगे कि मैं पढूं क्वेश्चन? I would see Deep is here, ma'am. Deep, can you unmute and please put your question to the ma'am, which you had kind of sent across? Yes. Good evening, ma'am. Go ahead, Deep. I'm Deep Shah from. Deep. Yes, Panu, am I audible? Yeah, go ahead, Deep. Yes, Deep. My name is Deep Shah. So I would like to ask you that how do you see the share of youth and women, especially in our country's aim of turning a disaster into an opportunity? And as a great source of inspiration, what message would you like to give? मैं हिंदी में जवाब दूं क्योंकि राजस्थान और गुजरात बैठे हैं तो ये जुबान तो सभी समझेंगे. Yes, ma'am. Yes. और बेहतर ज्यादा कंफर्टेबल भी होंगे. Yes. आपने पूछा, what do you see the share of youth and women in the country's goal of turning a disaster into an opportunity? मैं ये समझती हूँ कि अभी ये youth और women अपना भागीदारी पूरी नहीं दे रहे. It is very inadequate. जिस दिन सारी youth अपने आप को responsible समझने लगे कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ देना है, ये नहीं मुझे कुछ लेना है, मुझे भी कुछ देना है, और विमेन भी सोचने लगे कि हमने भी, हमारे पास भी क्षमता कुछ और देने के लिए है. घर तो चलाना है, परिवार को भी चलाना है, अपने घर को संभालना है, अपनी जिम्मेवारियों को निकालना है, यूथ ने पढ़ना है, यूथ ने स्किल डेवलपमेंट भी लेनी है. लेकिन यूथ ने पढ़ने के साथ साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ और देश की भक्ति क्या करनी है, देश की सेवा, समाज की सेवा क्या कर सकते हैं. मैं ये समझती हूँ कि अभी भी ये एक नेशनल मूवमेंट नहीं चली, क्योंकि हमारे पास एनसीसी स्टूडेंट्स है, एनसीसी स्टूडेंट्स बड़ा लिमिटेड नंबर है, क्योंकि ये कंपल्सरी तो है नहीं, वेरी फ्यू पीपल आर इन एनसीसी, और एनएसएस भी कोई कंपल्सरी नहीं है, बहुत थोड़े बच्चे हैं. सो एनसीसी और ये तो 1% भी पता नहीं है कि नहीं, और वेमेन तकरीबन अपने ग्रुप्स में लिमिटेड हैं, कई अपने ग्रुप्स में लिमिटेड हैं. लेकिन ज्यादा गांव की वेमेन, 50% जो वेमेन पंचायत में आज की है या 33% आ गई है, वह भी क्या पूरा अपना रोल प्ले कर रही है? मैं ये समझती हूँ ये नेक्स्ट मूवमेंट की जरूरत है, वे हर एक यूथ से पूछा जाए कि तुमने अपना क्या कर्तव्य, अपने आप को पढ़ाते हुए, स्किल डेवलपमेंट करते हुए क्या कर्तव्य निभाया, एक्स्ट्रा क्या कम्युनिटी के लिए निभाया. अगर ये पूछा जाए तो बहुत कोई चीज की कमी नहीं रहेगी इस देश में. इस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये सही है कि इट इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और जिसके डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, इस 400 million एबल बॉडीड यूथ, एबल बॉडीड यंग मेन एंड वुमेन, इससे ज्यादा एनर्जी और क्या हो सकती है? दूसरे देशों में तो एजिंग हो गया, यूरोप एज हो रहा है, जापान एज हो रहा है, इसीलिए वो यूथ ढूंढ रहा है, जर्मनी एज हो रहा है, वो यूथ, आप क्या समझते हैं कोई फेवर कर रहे हैं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेने से? नहीं, दे नीड यंग बिकॉज दे आर गोइंग इनटू जेरियाट्रिक पॉपुलेशन. इंडिया इज अ यूथ पॉपुलेशन एंड द 2040 तक उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड कायम रहेगी, उसके बाद हमारा डिक्लाइन शुरू होगा. तो प्रश्न ही क्यों उठता है, ये प्रश्न ही हम क्यों उठाते हैं कि क्या विमेन और यूथ कुछ और रोल प्ले कर सकते हैं? मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, रोल प्ले क्यों नहीं कर रहे, कहाँ है वो? हर एक का घर अपना घर संभालते हो भी, विमेन कैन डू प्लेंटी, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, विमेन तो एक नेबरहुड में हेल्प कर सकते हैं, हर जगह उनकी जरूरत है. सो पहले तो हम अपने बच्चों को, अपने घर को तो अंडरस्टूड है कि हम हर आदमी, हर व्यक्ति चाहता है मेरे अपने घर को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाऊं, अपने बच्चों को संस्कार सिखाऊं, शिक्षा दूं, संस्कार दूं, क्षमता बनाऊं, लेकिन उसके बाद समाज के. तो मैं ये समझती हूँ, और लाखों जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, वो 33% तो वेमेन है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एनवायरमेंट में जुड़ने से, आप मुझे बताओ
और लाखों करोड़ों यूथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स अबव 16, हम कितना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हम जगह जगह पेड़ लगा सकते हैं, जगह जगह स्वच्छ अभियान हो सकता है, जगह जगह वाटर इंप्रूवमेंट हो सकता है, जगह जगह, तो क्यों नहीं ऐसा, हम लोग क्यों नहीं मूवमेंट चलाते। सो मेरा पहला सवाल ये, इसीलिए मैंने कहा था मेरा आंसर ओपनिंग स्टेटमेंट इसी में छिपा हुआ है। हम एक दूसरे से पूछते हैं हमारा हम क्या कर सकते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं आप क्या नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते। आप मेरे से पूछते हो क्या कर सकते, मैं आपसे पूछती हूँ आप क्या नहीं कर सकते। जब आप जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, कॉजेस को ले लेंगे, हर कॉलेज एक कॉज ले ले, हर यूनिवर्सिटी एक कॉज ले ले, हर क्लास एक कॉज ले ले, हर मोहल्ला एक कॉज ले ले, हर गांव एक कॉज ले ले, हर कॉज ले ले। जैसे आप रोटरी के कितने कॉजेस लेते हो, रोटरी कितने सारे कॉजेस लेती है, हर क्लब अपना प्रोग्राम अनाउंस करती है, तो हम लोग क्यों नहीं कॉजेस ले सकते। क्या कॉज लिया एक यूनिवर्सिटी ने बता दीजिए कि हम इस बारी और प्रेसिडेंट साहब ने खुद कहा था यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी USR, व्हेन अ न्यू प्रेसिडेंट टुक ओवर उन्होंने एक स्लोगन दिया था यूनिवर्सिटी USR, यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बताए हर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दे कि मेरी यूथ का प्रोग्राम, मेरी यूनिवर्सिटी का कोई भी चीज है तो अगर हम हर यूनिवर्सिटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉज ले ले, मुझे बताइए कमी क्या होगी। हाथों से जब काम करेंगे, श्रमदान, हम श्रमदान एक मूवमेंट क्यों चलाते। हम गांधी जी को 30 जनवरी को भी याद करते हैं, गांधी जी को 2 अक्टूबर के याद करके जो असली करते थे वो तो करते नहीं, वो है श्रमदान। श्रमदान का मतलब था कोई ऊंच नीच नहीं, जो आपकी है उसकी ओर सेवा दो। तो ये सेवा भाव, आत्मनिर्भरता सेवा भाव से आ ही नहीं सकती। सो आप पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें, यूथ एंड वेमेन आर इंडियाज पॉपुलेशन। आप बर्थडे मना रहे हैं पेड़ लगा दो, बर्थडे मना रहे हैं किसी की सेवा कर दो, आप एनिवर्सरी मना रहे हैं आप कुछ ऐसी चीज करो जो कि लॉन्ग टर्म आपको, आपको कुदरत ने जो मिला आपके बड़ों ने दिया, आप क्या देके जाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट आप किसी एनजीओ की हेल्प कर दो, आप एक हमेशा एक नया एनजीओ क्यों चलाएं, आप एनजीओ की जाके मदद करो। आपका स्कूल में, गांव में स्कूल में है, आपको साइंस अच्छी आती है, उनके पास साइंस टीचर नहीं है, साइंस पढ़ाने लग जाओ, ऑफर करो। सो कभी समय ऑफर करो, कभी कुछ चीज ऑफर करो। सो दिस इज माई फर्स्ट आंसर दैट देयर इज नो लिमिट टू व्हाट द कंट्री कैन डू एज फार एज फ्रॉम द यूथ एंड वेमेन इज कंसर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, If women can re-educate their boys, अपने अपने लड़कों को ऐसे संस्कार दीजिए ताकि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आए ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है। तो क्राइम कौन करता है वुमेन का, लड़के, लड़कों की, हर लड़के की मम्मी है, हर लड़के के डैडी हैं, हर लड़के के टीचर हैं। तो कौन गलत क्यों हो गया, टीचर गलत, क्योंकि कोई बच्चा पैदा होते ही तो क्राइम नहीं करता औरत के खिलाफ। उसमें संस्कार किसने पैदा करने थे, मम्मी ने, डैडी ने, टीचर ने, उन्होंने। तीनों जब फेल होते हैं, जब तीनों फेल होते हैं तब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं। और अगर गांव से ज्यादा हो रहे हैं या शहर से हो रहे हैं, कसूर तो आपका घर घर का है। एज दलाई लामा जी करेक्टली सेड, चेंज बिगिंस विद एवरी फैमिली एंड विद इन द फैमिली देयर इज अ मदर एंड देयर इज अ फादर एंड एवरी चाइल्ड हैज अ स्कूल। अगर ये ठान लें यूथ एंड वुमेन कि हमने अपनी यहाँ के बच्चों की, महिला अपनी लड़कियों की इज्जत करनी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी पर, उनको सुरक्षित रखना है, तो आप देखोगे हमारा देश ऐसे सफर नहीं करेगा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे जैसे भाई कई बारी केसेस आते। थैंक यू मैम। दीप, आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन प्रीटी मच सैटिस्फाइड एंड गॉट अ गुड इनसाइट इनटू हाउ यूथ शुड कंट्रीब्यूट एंड यूथ शुड स्टैंड अप एंड टेक रिस्पांसिबिलिटीज। Thank you, ma'am. Keyuri, are you there? You had a wonderful question to put across. Yes, bhai, I'm here. Okay, all yours. Hi, ma'am. My name is Keyuri. I hope you're doing well. Yes. So, ma'am, my question is deeply rooted to my childhood. So, I'll just give you a little background on that. So, I myself wanted to be an IPS officer when I was a kid. And
with that, I did a lot of things related to it. So I've been a nationals player at a lot of sports. I have played a lot of district and state events and everything. So I was pretty much clear on my path, but eventually I couldn't get through it. But the question is rooted there itself. So now I'll come to the question. So there is nothing that a woman cannot achieve. And ma'am, you're the biggest force that makes me believe in that. And we all have experienced gender biases at some point or the other, and there's no doubt about it. But I somewhere feel that more than men, I have seen women use gender bias as sometimes an excuse or sometimes maybe to exploit it. And I don't think that is the right thing to do, because I have achieved things that a lot of other women couldn't and men couldn't. And that is what makes me believe that I think, you know, we should maybe move ahead of that. And us females first should do certain things in a way where, you know, we don't take credit of the pseudo feminism that is being practiced around. And we understand the real meaning of what the power of a female is and what can we do. So I just want you to talk about it a little. And, you know, if you could just tell all of us females and males, if you could educate us about that. अगर आप एनिमल वर्ल्ड देखें, एनिमल प्लैनेट देखें, एनिमल वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम्स है विमेन के साथ. एनिमल वर्ल्ड में भी बहुत बड़ा मोटा शेर होता है या बहुत बड़ा बंदर होता है, अगर वो मेल है कैसे फीमेल के पीछे भागता है, कैसे उसको तंग करता है. ये इनहेरिटेड है, जेनेटिकली कमिंग थ्रू. क्योंकि बाई चांस वेन आई गेट यू सी, मैंने देखा है एक मोटा कबूतर और कबूतरी को उड़ा देता है, उसको खाने नहीं देता. मैंने देखा है अपने बैल्कनी में, जब मैं खाना देती हूँ कबूतर को, तो एक मोटा कबूतर आता है, उसके गुडरुगु करता रहता है, और बेचारी वो दूसरी वो पतली सी होती, दैट्स हाउ आई नो शी इज अ वुमन, और उसको धक्का मार के उड़ा देता है और खुद खाता रहता है, और वो साइड पे वेट करती रहती है, कभी उड़ेगा तो तब मैं जाके दाना चुनू. राइट. मैंने एनिमल वर्ल्ड में भी देखा है. सो ये दिस हैज कम थ्रू लाइफ इटसेल्फ. True. It's life itself. It's a muscle power. It's a muscle power. Now, what is a woman? Woman cannot have muscles. True. Unless she develops boxing technique. She's the same. I have no muscles. I just have the reasonableness muscles. I could have developed muscles by going to the boxing ring and developed it. But that means I'm not born with it. But boys are born with stronger muscles. तो उनके दिमाग में मसल पावर घुसा हुआ है. ठीक है ना, औरत की मसल पावर है कि मेंटल पावर? अगर उसको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिले तो उसको मेंटल पावर ले सकती है. राइट. शिक्षा से मेंटल पावर ले सकती है. व्हाट इज मेंटल पावर? मेंटल पावर इज नथिंग बट शियर कॉन्फिडेंस, विल पावर एंड हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन. यही है मेंटल, बिकॉज मेंटल कॉन्फिडेंस इज ऑल इन द माइंड. राइट. विल पावर इज ऑल इन द माइंड. Muscle is not in the mind. That's called mental muscle. But other muscle is when you can lift all the weights. Jitni hum house moving karte hain, ye jo almariyan hatata kaun hai? Sab milke. Sabse zyada kaun karta? Aadmiyon ko bulate. Kyunki uske baad usko Bhagwan ne muscle power diye. Lekin uska durupyog jab karta hai, to problems aati hai. Right? Lekin aurat, agar aurat अपना कुछ चीज का दुरुपयोग करना चाहते तो उसको भी नहीं कोई रोक सकता, क्योंकि उसकी अगर एटीट्यूड बन गया है. लेकिन प्रॉब्लम से एक तरफ है मेंटल पावर, एक तरफ है मसल पावर, एक तरफ है मेंटल अब्यूज. तो जो औरत की आप जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से वो इनसिक्योरिटी इस तरीके से अपनी निभाती है, विच इज रॉन्ग. कानून उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि जब ट्रायल होता है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है, तो कानून को ये थोड़ी है, जो वो ब्लाइंडली कहती है वो मानता है. कानून नहीं है. इन्वेस्टिगेशन मींस जो तुमने कहा, जो मैंने कहा, जो आसपास हुआ, वो मैं सबूत लूंगी. दैट्स राइट. इन्वेस्टिगेशन कोर्ट मे बिगिन विद द केस बिकॉज अ वुमन हैज रिपोर्टेड. इट विल बिगिन बट इट डज नॉट एंड विद इट. इट हैज टू बी बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड द कोर्ट ऑफ लॉ हियर्स बोथ. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
The next question that I've shared with you, ma'am, has been shared with our Rotex secretary. Vatsal, would you like to please put across your thoughts and question rather? Good evening, ma'am. I would like to ask that how can youth of this country, like we have multiple organizations other than Rotary as well, can be part of the solution of a large increase in situation related to domestic violence, mental stress during this lockdown. So there are such problems which have increased, and it is difficult for us to evaluate such situations and can provide a solution or an help in that. ये घर से शुरू होती है, इज्जत औरत की घर से शुरू होती है. पहले हम घर, अपने घर को संभालें, फिर पड़ोस को भी संभालें, फिर अपने नेबरहुड को संभालें, फिर गांव को संभालें साथ साथ. घर से शुरू होती है. हाउ डू वी ट्रीट आवर फ्रेंड, आवर यंगस्टर्स, गर्ल्स? हाउ डज माय फादर ट्रीट माय मदर? हाउ डज माय मदर, माय ग्रैंडमदर ट्रीट माय मदर? हाउ डज अ मैन ट्रीट अ वुमन इन द हाउस? याद रखना, ये पहले घर से शुरू होती है. बाहर देखने से पहले अपने घर में देख लो, और घर में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाओ. ये नहीं तू औरत है तो तू ही मेरा खाना बनाएगी और मैं बैठ के खाऊंगा और मैं टीवी देखूंगा. दिस इज नॉट राइट. यू से मैं टीवी हम दोनों ने देखना है, न्यूज हम दोनों ने देखना है. आओ दोनों जने बांट के करते हैं ताकि दोनों जने मिलके खाएं. ये कितने लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं? भाई बहन से भाई राइट मांगता है कि मेरे काम कर. दिस इज वेयर द डिस्क्रिमिनेशन इज बिगिनिंग. आप उसका कॉन्फिडेंस हटा रहे हैं, उसको आप छोटा बना रहे हैं, उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं, उसको बना रहे कि तेरा तो काम सर्विस है. इट स्टार्ट्स विद होम. सो जब आप प्रश्न ये पूछते हो, मुझे यही कहना है, बिगिन विद योर सेल्फ. आप हर एक व्यक्ति जब अपने अपने घर से शुरू करेगा, तब वो आप देखेंगे समाज एक दूसरा बन जाएगा. घर घर मिलके समाज बनता है. एवरी होम इज अ विलेज. विलेज क्रिएट्स communities, communities create states, states make the nation. This is what Abdul Kalam ji said, not me. So, jo aapka answer question, school se shahar banta hai. Kitne school ye shiksha dete hai? Kitni universities is par dhyan deti hai? Kitne log hum log equal participation dete hai? Hum vice chancellors, principals, kyun nahi ye program dete? Sab jane milke ye kaam karo, ladki ho ya ladka, milke khelo, milke kaam karo. हर हम अलग अलग बांटते रहते हैं और रोल्स असाइन कर देते हैं और स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं. तेरा काम सफाई करना, तेरा काम पेड़ पे चढ़ना. यू क्यों? तेरा काम दोनों पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो, दोनों सफाई करो, दोनों पेड़ लगाओ. तू खाद दे, तू कर. नहीं नहीं, तू पौधा ला, मैं लगाऊंगा. नो, डू टुगेदर. जब आप टुगेदरनेस लाओगे तो आपको ये रिस्पेक्ट फॉर वेमेन एंड रोल्स भी बेटर मिलेंगे, इक्वल. दैट मीन्स हर व्यक्ति देश के लिए एक एसेट होगा, हर व्यक्ति देश के लिए एक कुछ देने के लिए बनेगा, ना कि वेट करे कि मुझे कोई बोले तो मैं करूं. नो, आपको अंदर से जिज्ञासा चाल. यही बात आज कल प्रधानमंत्री जी मन की बात में बोला, जिज्ञासा रखो, क्यूरियोसिटी रखो. मैं क्या कर सकता हूं? अकेला कर सकता हूं, कोई बात नहीं. चार जने मिलकर कर सब कर लो. ये नहीं बोलो पहले मैं 400 बनूं तब करूं. यू कैन बी. आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपके आस पड़ोस में एक व्यक्ति आके रोज शराब पी के मारता है रात को, हम कितने लोग इंटरफेयर करते हैं, हम कितने लोग इंटरवीन करते हैं, उसकी मदद नहीं करते. क्योंकि हम पुलिस से डरते हैं. हम करेंगे, पुलिस हमें पूछेगी और हमें प्रॉब्लम्स आएंगी. दिस इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू आर एटलीस्ट लेटिंग द पर्सन नो कि हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तुम अपनी वाइफ को अब्यूज कर रहे हो, यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, हम उसको अनदेखा करते हैं. सो आप अगर कोई गलत चीज देखो तो अनदेखा मत करो, समझदारी से कोशिश करो उसको संभालने की. और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, नेबरहुड की सोसाइटी होती है. सोसाइटीज किस लिए होती है? सोसाइटीज डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए होती है, लेकिन सोसाइटीज भी इंटरफेयर नहीं करती कई बार. सो सोसाइटीज है, आपकी ग्रुप्स है, इनका जिम्मेवारी है संगठित होना और संगठित होकर एक आवाज होता. उसका सेक्रेटरी प्रेसिडेंट किसके लिए अगर वो आवाज ही नहीं उठाए? और औरत को विश्वास ही ना हो कि अगर मैंने सोसाइटी में बोला मेरी बात सुनाई होगी, उसको भी विश्वास नहीं है.
और सोसाइटी कई बार जानते हुए भी आप एक अनोनिमस ईमेल का सिस्टम कर लो, अनोनिमस ईमेल करो कि इस घर में यहाँ ये हो रहा है, अनोनिमस ईमेल, दैट मीन्स यू कैन नॉट बी ट्रेस्ड, xyz@gmail.com. लेट द RWA हैव अ ईमेल अकाउंट xyz@gmail.com. आपको पता ही ना चले किसने ली, लेकिन इंफॉर्मेशन तो दे दो, कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन दे दो, xyz दे दो, अपने RWA को दे दो. आपने घरेलू हिंसा के बारे बोला, अनलेस यू इन्फॉर्म हाउ विल यू चेक इट. कोविड के टाइम पर हमें बहुत सारी शिकायतें आई थी, बच्चों से शिकायतें आ रही थी, मैडम हमारे डैडी ना ब्लू फिल्म देख रहे हैं, हम क्या करें, किसको बोलें, मैडम हम सारे बैठे हैं, छोटा सा कमरा है, हमारे डैडी जी तो ब्लू फिल्म लगा के बैठे, अब ये बच्चा किसको बोले, उसकी सुनेगा कौन. सो दिस इज व्हाट इट इज, द पॉइंट को सुनवाई का सिस्टम होना चाहिए. जैसे 911 अमेरिका में है, घुमाओ 911 तो आपके पास झट से गाड़ी आती है 911, ऐसे हमारा 100 है, झट से आनी चाहिए, उसमें वेमेन पुलिस भी होनी चाहिए, लेकिन कोई शिकायत तो करे. अगर आप शिकायत ही नहीं करेंगे तो रोक कैसे लगेगी. उनको पता है पिताजी को कि मेरा कोई हिम्मत वाला या बच्चा नहीं है जो कि कह दे कि 100 पे, क्योंकि डैडी को खूब पिटाई पड़ेगी बाद में. सो कोई तो बोले, अगर कोई नेबरहुड जान गया तो मत बोलिए अपना नाम, कम से कम बता तो दीजिए कि वहां ये हो रहा है. कोविड में हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आई थी, वो लॉक्ड अप थे, खूब कईयों ने ऐसी गलत हरकतें की और बच्चों और औरतें परेशान थी. डोमेस्टिक वायलेंस की परसेंटेज कोविड में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और उनको समझ नहीं था. इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में मोबाइल पेट्रोलिंग जिसमें विमेन पुलिस हो, आप उसको तुरंत कॉल करो. लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि कंप्लेंट करना भी हिम्मत है. किसकी हिम्मत, फैमिली में से कि पड़ोस से. अगर हिम्मत नहीं करो तो फिर मार खाओ, तो ये फिर मार पड़ेगी पड़ेगी जब आप हिम्मत नहीं करेंगे, तो बुजदिली के लिए मार खानी पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट वन. थैंक यू मैम. वी हैव विद अस सेक्रेटरी ऑफ वन ऑफ आवर अहमदाबाद ऑल वुमेन लेडीज क्लब, अस्मिता वीनल. वीनल, इफ यू आर देयर, योर क्वेश्चन प्लीज. Yes, thank you, Banubhaiya. Good evening, ma'am. Mm-hmm. My question is, a young woman who is completely appropriate but does not belong to any particular caste, community or family. What is your suggestion for her on making a place in Indian politics? Indian politics, remember, they must understand what is politics. No. Politics is nothing but public life. Politics is not drawing room life. Politics is not home life. Politics is public life. अगर आप public oriented हैं, आप public की सेवा पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जीवन में एक higher purpose है जो मैं लोगों के काम आ सकूं, तो बहुत important पहले ये है, पहले तो आपका मन दूसरे के लिए तड़पना चाहिए, उसमें दर्द होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपके मन में उसके लिए दर्द नहीं तो आप पब्लिक लाइफ में कैसे जाएंगे. यू हैव टू फील फॉर अदर्स. तो अगर आपकी हमेशा ये फीलिंग रहती है कि इधर क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन, क्यों इसको ये हो रहा है, मैं क्या कर सकूं, तो पब्लिक लाइफ की शुरुआत है ये. दैट मीन्स योर सेंसिटिव हार्ट, सेंसिटिव माइंड. उसके बाद आपके पास समय है, वेरी गुड, समय करो. आप सेवा भाव है, करो. तो फिर कॉज ढूंढ लो, जो आपको कॉज पसंद है. मान लो आपको कॉज एजुकेशन का है, आपको कॉज सैनिटेशन का है, आपको कॉज एल्डरली होम्स का है, आपका कॉज एनवायरनमेंट है. आपके मन में वो तड़प होती है, कहा मुझे इस चीज पर बड़ा गुस्सा चढ़ता है, दैट्स योर कॉज. लेकिन याद रखना, जब ये कॉज आप पब्लिक में जाएंगे, करने लग जाएंगे, तो ये आपसे बहुत त्याग मांगेगा, आपसे सेवा मांगेगा, आपसे समय मांगेगा और आपसे रिसोर्सेज भी मांगेगा. क्योंकि आप फिर दूसरों से रिसोर्सेज मांग मांग के करोगे तो फिर आप ऑब्लाइज हो जाओगे, कभी बोल सकोगे कभी नहीं बोल सकोगे. तो पॉलिटिक्स जो है, ये पॉलिटिक्स इज नथिंग बट पब्लिक लाइफ एंड इट इज पब्लिक सर्विस. वो बाद में है कि यू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देन यू गेट इनटू पॉलिटिकल लाइफ, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ से पहले आपका आधार है समाज सेवा का की तरफ अर्पण. होता क्या है कि हम सीधा ही पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते कई बारी, और सेवा भाव पहले नहीं होता और अपने साधन भी नहीं है.
तो हम फिर फंड्स पर वेट करते हैं, डोनेशंस की वेट करते हैं, आपको फिर वो लोग देते हैं जो गिव एंड टेक होता है, मैं आपको ये दूंगा आप मुझे ये लाइसेंस दोगे, आपको मैं ये दूंगा आपको ये निर्णय लेके दोगे, तो आप ऐसी पॉलिटिक्स में चले जाते हो। तो किस तरीके की राजनीति आप करना चाहते हो, समाज सेवा की राजनीति की पार्टीबाजी की राजनीति, ये आपको खुद फैसला करना है। तो पार्टीबाजी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर सेवा भाव से जाना है तो आपको पहले शुरू से ही फीलिंग होनी पड़ेगी। और आप कभी कम्युनिटी लीडर बनते हो, फिर पंच बनते हो, फिर सरपंच बनते हो, आपकी शुरुआत हो गई। आप गांव गांव में पंच की बात शुरू करो, सरपंच के या आपके सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर बनो, अपने बोर्ड अपने वार्ड की सेवा करो। सो स्टार्ट स्मॉल। हम लोग सीधा सोचते सीधा एमपी बनेंगे मंत्री बन जाएंगे, सीधा एमपी नहीं, आप शुरुआत करो अपने अपने पड़ोस से, अपनी क्लास से। इवन क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज बिगिनिंग, यू बिकम अ क्लास लीडर, यू बिकम अ हेड गर्ल, फ्रॉम हेड गर्ल यू बिकम अ पंच और अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड, एंड यू हैव अ बिलीव्स, यू हैव सम आइडियोलॉजी, एंड यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोलिटिकल साइंस, लिबरल आर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। You should be a student of law, because liberal arts is actually very important for entering into public life. Engineering and medicine can take you into very specialized field, but liberal arts is the literature. These are very important subjects for entering political life. But political life should have a foundation of giving, serving, selflessly, giving, not taking. कुछ अपना आधार भी होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए कि मेरी रोटी रोजी मैं अपनी अपनी कमाई से खाऊंगा, ना कि मांग मांग के। क्या रही नेक्स्ट वन। थैंक यू मैम। मैम आई होप इट्स फाइन एंड वी कैन हैव टू मोर क्वेश्चंस। ओके लास्ट टू। या थैंक यू कुनिका, आई विल इनवाइट यू फॉर योर क्वेश्चन प्लीज। कैन हैव लास्ट टू। नमस्कार मैम, मेरा नाम कुनिका है और मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में एक वीडियो देखा था आमिर खान का, जिन जब सत्यमेव जयते वो करते थे तब। तो मुझे आपसे एक सवाल है कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस और इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, और उनके जितने भी यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस से हमने इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या इंस्पिरेशंस ली है जो हमें बहुत बेनिफिट करी है इंडिया में। सिविल सर्विसेज में आप इम्तिहान देते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, क्वालिफाई करते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं सर्विस में, आपको रेवेन्यू सर्विस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, फॉरेन सर्विस चाहिए, पुलिस की चाहिए, रेलवे की चाहिए, आप इंफॉर्मेशन की चाहिए, इकोनॉमिक्स की चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सिविल सर्विसेज इज डिफरेंट। पीस कीपिंग ऑपरेशन यूएन में कंट्रीज मिलके अपने में थोड़ी थोड़ी पुलिसिंग देते हैं, जैसे कि पीस कीपिंग ऑपरेशन में इंडिया एक प्लटून एक कंपनी देती है सीआरपीएफ की वेमेन पुलिस की, ऐसे करके अमेरिका 10 ऑफिसर्स देती है, नेपाल कुछ और पुलिस ऑफिसर कर करके, ये एक बांग्लादेश आर्मी की एक कंपनी देती है। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल फैसला करती है कि किस देश में जहां पर न्यूट्रल पुलिस की जरूरत है या न्यूट्रल आर्मी की जरूरत है वहां जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपने देखा सूडान जो है उसे पीस कीपिंग ऑपरेशन हटा रहे हैं, वहां से हट रहे पीस कीपिंग ऑपरेशन हटा रहे, क्यों? क्योंकि अब वहां पर सेटलिंग पीस आ गया। लेकिन मुझे याद है जब मैं वहां पर ऑपरेशन में थी तो सूडान में बहुत ज्यादा ट्राइबल वॉरफेयर था, नॉर्थ साउथ में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी और बहुत किलिंग हो रही थी। तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया कि वहां यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाएगा ताकि वहां पर ये कत्लेआम बंद हो, जिसको जेनोसाइड भी कहते हैं। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फैसला इसलिए करती है क्योंकि इसमें पहले ये इंटरनेशनल पीस कीपिंग में आएगा, द यूनाइटेड नेशन मस्ट डिसाइड कि इसमें हमको पीस कीपिंग में जाना है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी फैसला करती बिकॉज इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरफेरेंस, लेकिन इसकी कॉस्ट होती है, देयर इज अ कॉस्ट बिकॉज यूनाइटेड नेशन सर्विसेज हैव अ वेरी हैवी कॉस्ट बिकॉज यू हैव टू पे देम, यू हैव टू पे, लाइक आई वाज पेड व्हेन आई वेंट एज पुलिस एडवाइजर
मेरी कंट्री नहीं मुझे मेरी सैलरी दे रही थी, यूनाइटेड नेशंस मुझे दे रही थी. सो यूनाइटेड नेशंस का बजट भी कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है. सो देयरफॉर देयर इज अ बजट. सो व्हेन देयर इज अ बजट एंड इवन मैन पावर इज अ बजट, तो यूएन पीस कीपिंग गोज इनटू इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस डिसाइडेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल paid for the by the international community, and international community comes together to go to a particular place and does do peacekeeping. So it's peacekeeping, but as civil service is concerned, it's within your own country. You are qualified by the Union Public Service Commissions, and then you allocated services according to your merit and according to your choice. So there is a difference between peacekeeping operations, UN peacekeeping, and civil service. Thank you, ma'am. And as our district governor had little technical problems in the initial phase, he's now with us. So I'm now inviting with his question and his final question, Dr. DG Rajesh Agarwal. Rajesh, are you there? Good evening, Lieutenant Governor Dr. Kiran Bedi. So let me welcome you on behalf of the second largest district of Rotary International World, which has presence in 224 countries, having 12 million Rotarians around the world. And in India, we have presence in almost every major town. We are 38 international districts with 1.6 lakh Rotarians. And worldwide, the women Rotarians are almost 19%. In our district, they are 19.5%. And out of 147 clubs in our district, which represents 21 revenue districts of Rajasthan and 7 revenue districts of Gujarat, we have almost 17% women presidents in our clubs. And if we club secretaries, which are on the prime leadership location position, the ratio goes about 30%. And in our district teams also, we have various district teams in different portfolios. We have a very nice, very decent representation in of women. I would like to share that next year in 22-23, Jennifer Jones from Canada is going to lead the entire Rotary International World to lead 12 million people. So what I want to say is the Rotary International is an organization which promotes women quite well. बहुत अच्छे से उनके अंदर leadership inculcate करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी opportunities उनको देते हैं, लेकिन जो हमारा experience है और हमको membership भी हम invite करते हैं, जैसे कि हमारे district में जो largest women club है world का, वो हमारे district के अंदर है, उदयपुर मीरा के नाम से. तो मेरा जो सवाल है क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ साथ, वो ये है कि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि वुमेन की ग्रोथ में और वुमेन को अपॉर्चुनिटीज कर्टेल करने में एक वुमेन ही उसके पीछे होती है मोस्टली. तो इस चीज को कैसे आप देखती हैं और कैसे समझती हैं कि कैसे हम क्या सोसाइटी के अंदर सेटअप के अंदर चेंजेस हम लोगों को करने चाहिए सरकार के स्तर पर और संस्थाओं के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर कि वुमेन बहुत ज्यादा प्रमोट करें और जेंडर बायस से बात होनी ही खत्म हो जाए कि ये वुमेन का काम है ये मेन का काम है. आप इसको किस तरह से सजेस्ट करना चाहेंगी? व्हाई इज अ मैन मोर इन्फॉर्म्ड देन अ वुमेन? व्हाई? बिकॉज़ ही इज मोर मोबाइल. ही इज मोबाइल. जो एक घर के दीवार में ही ज्यादा या अपने एक छोटे से ग्रुप में ही रहेगी उसकी उतनी नॉलेज लिमिटेड हो जाएगी. इसीलिए आपने रोटेक्स किया. रोटेक्स क्यों किया? टू ओपन अप द वर्ल्ड फॉर द मेन बॉयज. यू ओपनिंग अप द वर्ल्ड, इजंट इट? एंड दैट ब्रॉडन्स देयर होराइजन एंड देयर ओपन्स अप द वर्ल्ड दैट इट इज. हम लोग पॉन्ड एक कुएं के डड्डू नहीं है, एक कुएं के डड्डू नहीं है. वुमेन विल हैव टू कम आउट एज अ फ्रॉग मेंटेलिटी आउट ऑफ द पॉन्ड्स. उनका घर पॉन्ड है, उनका गांव पॉन्ड है. पूर आदमी गांव से गांव जाता है, शहर जाता है, शहर से दूसरे शहर जाता है, बिजनेस करता है, बातचीत करता है, सीखता है, सुनता है, पढ़ता है, करता है. सो इंटरेक्शन करता है, हिज वर्ल्ड ओपन्स अप. औरत जो है बेचारी वो घर की संभालने में ही रहती है, उसका जो है वो दुनिया लिमिटेड हो जाती है. और जब वो लिमिटेड हो जाती है
तब उसको कहते इसको कुछ नहीं पता और इसको कम पता है, मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि वो आपका घर संभाल रही है, हमारे समाज को चला रही है परिवार की ओर से। इसका मतलब यह है कि अगर औरत को भी आप चाहते हो कि उसका होराइजन बढ़े, इसीलिए बड़ी बड़ी क्लब्स बनी है ताकि वो उन ग्रुप्स में मेंबर हो, इसलिए ग्राम सभा बनी है, गांव की ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करो। लेकिन आप जरा हिसाब लगाओ रिसर्च में, हर गांव में कितनी गांव है जो ग्राम सभा बुलाती है, कितने लोग हैं जो महिला मंडल में पार्टिसिपेट होता है। तो हम पार्टिसिपेटरी, सो आई वुड से द मैन इज बेटर देन द वुमन इन मोबिलिटी एंड नंबर टू अवेयरनेस। जिस व्यक्ति में मोबिलिटी और अवेयरनेस आ जाती है तब पुरुष और गांव वो दोनों ही ताकतवर बन जाते हैं। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एवरी वुमन हूएवर इज विद यू, इंक्रीज देयर मोबिलिटी एंड इंक्रीज देयर अवेयरनेस। जब आप मोबिलिटी भी ऐड करेंगे, और मोबिलिटी का मतलब उनको मोबाइल घर से निकालो बाहर, घर में काम करो चलाओ, लेकिन आप सारा दिन थोड़ी घर बनाएंगे, लंच बनाएंगे डिनर बना लेंगे, तो सारा दिन थोड़ी रहेंगे जरूरी, लेकिन अगर सारा दिन भी रहेंगे कभी तो निकलेंगे, और कभी से निकल के टीवी सीरियल से थोड़ा हटके दूसरा नॉलेज भी लीजिए, नहीं तो सीरियल्स आपको कॉन्फ्लिक्ट ही देंगे ज्यादा, बड़े थोड़े सीरियल है जो एंटरटेन करेंगे लेकिन ज्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट देंगे, घरेलू कॉन्फ्लिक्ट। सो वो अपना कॉन्फ्लिक्ट और दूसरों को कॉन्फ्लिक्ट लेके रहती रहती, कॉन्फ्लिक्ट देखती है कॉन्फ्लिक्ट जीती है। सो उसको मोबाइल करो, उसको अवेयर करो, उसको अपने अपनी कुएं से निकालो। यू हैव टू टेक हर आउट ऑफ दीज पॉन्ड्स विच मीन्स मोबिलिटी एंड अवेयरनेस। सो MA मीन्स मोबिलिटी, सो उनको MA लेको, MA करो, MA मीन्स मोबिलिटी, A मीन्स अवेयरनेस। अगर आप उनको MA में ले जाओगे तो वो पॉन्ड से निकल के कुएं से निकल के MA जाएंगी, MA बनेंगी। आदमी लोग सारे MA क्योंकि सारे मोबाइल हैं, वो सारे अवेयर हैं। बेचारी वो जो वो है वो हाउस कीपर ही है, हाउस मैनेजर ही है, घर के अंदर ही है, कुएं की डड्डू है और कहते हैं ये कुएं है, इसको क्या पता, और उसको पार्टिसिपेट नहीं करते, उसके साथ आप डिस्कस नहीं करते, पॉलिसी मेकिंग में उसको शामिल नहीं करते, निर्णय खुद लेते हो क्योंकि इसको क्या पता, क्योंकि उसको क्या पता। आप तो उसको कहते हो कि इसको क्या पता क्योंकि आपने उसको मौका नहीं दिया। सो रोटरी वर्क क्लब्स, इनर व्हील क्लब्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज औरतों को देती हैं, वेयर दे टॉक, वेयर दे शेयर देयर मोबाइल। घर से निकल के क्लब में आती हैं, घर से निकल के मीटिंग में जाती हैं की। और अभी मैंने हाल ही में चेंबर ऑफ कॉमर्स को एड्रेस किया था, कैलकटा चेंबर ऑफ कॉमर्स, एंड दे आर ऑल टॉप वुमेन जो कि गोइंका फैमिलीज या बिरलाज एक्सेट्री फैमिलीज एसोसिएशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में थी। मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा एवरी वीक आपस में मीटिंग करो वर्चुअल, और जो भी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट होती है एक क्लास लगाओ अपनी अपनी, और पढ़ाओ एक दूसरे को, सिखाओ, अपडेट करो, बिकॉज पॉलिसी मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड देन शेयर एंड थिंक एंड वी गिव योर व्यूज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज यू आर ऑल इन टू बिजनेस, you're in top business, but unless you make yourself aware of the latest policies, financial policies, economic policies, in labor policies, entrepreneur policies, banking policies, how will you be able to participate? That's called mobility and that's called awareness. So MA karna bada zaruri hai.